नमस्कार दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ इस नए वीडियो में मैं फिर से आपके सामने आया हूं। फ्रेंड्स, जब 204 सीआरपीसी में किसी कंप्लेंट केस में कोर्ट के द्वारा आदेश का जारी कर दी जाती है, इशू ऑफ प्रोसेस हो जाता है, तो आगे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, समन कैसे जारी होता है और समन किसको बनाना पड़ता है, क्या कोर्ट समन जारी करने का आदेश करती है तो कोर्ट के कर्मचारी समन बनाते हैं, या जो परिवादी है, कंप्लेनेंट है, उसके अधिवक्ता द्वारा समन फिल करके और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करता है और फिर न्यायालय की मोहर लगाई जाती है, फिर समन भेजा जाता है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, तभी दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी जो घंटी का लोगो है उसको प्रेस करके रखें, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा, और वीडियो पर एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, किसी भी मामले में जब आप मान लीजिए कंप्लेंट के रूप में परिवाद दर्ज कराते हैं, तो आपका जब परिवाद कंप्लेंट कोर्ट रजिस्टर करने का आदेश कर देती है, उसके बाद 202 सीआरपीसी यानी कंप्लेनेंट का और उनके विटनेसेस का स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मामले में तलब किए जाने के लिए यानी अभियुक्तों के विरुद्ध आदेश का जारी करने के लिए पर्याप्त आधार होने पर 204 सीआरपीसी में कोर्ट आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश का जारी कर देती है कि एक निश्चित पर न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लिए उपस्थित हों। आप जब 204 सीआरपीसी में प्रोसीडिंग्स के लिए आदेश हो गया, आदेश का जारी कर दी गई, तो सबसे पहले जारी किया जाता है समन। तो अब क्या कंप्लेंट केस में समन कौन बनाएगा, क्या न्यायालय के कर्मचारी बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, कंप्लेंट केस में समन जो बनाया जाएगा वह जो भी परिवादी है, कंप्लेनेंट है, उसके अधिवक्ता द्वारा ही समन फिल किया जाएगा। मतलब समन का जो प्रारूप है वह उसके अधिवक्ता द्वारा भरा जाएगा। समन के साथ जो आपकी कंप्लेंट की कॉपी है, यानी जो आपने परिवाद पत्र दिया था, कंप्लेंट की एप्लीकेशन दी थी, उसकी एक कॉपी समन के साथ रहेगी। और जब यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, मतलब समन जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो अधिवक्ता है वह फिल कर लेता है, प्रारूप को भर लेता है, इसके बाद कंप्लेंट की कॉपी उस समन के साथ संलग्न कर दी जाती है, तो फिर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय के कर्मचारियों के द्वारा, कि उस पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षरित गए और इसके बाद न्यायालय की मोहर लगाकर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों को वह समन दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, जो भी कंप्लेंट केस फाइल होते हैं उस पर आप ये ध्यान रखिए कि कंप्लेनेंट साइड का एडवोकेट उसका लास्ट तक रोल रहता है, मतलब ट्रायल कंक्लूड होने तक उसका रोल रहता है। तो जब आप कंप्लेंट केस फाइल करते हैं, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट हो जाता है, विटनेसेस का स्टेटमेंट हो जाता है, आदेश का जारी हो जाती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि समन का जो प्रारूप है, मतलब जो समन का प्रारूप है उसको अधिवक्ता द्वारा ही फिल किया जाता है, जो कंप्लेनेंट का अधिवक्ता होता है वो उसको ही फिल करना होता है, और उसके साथ एक कंप्लेंट की कॉपी होगी, और यह सारा खर्चा परिवादी को उठाना पड़ेगा, मतलब जो भी कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उसे ही उठाना पड़ेगा, न्यायालय यह खर्चा वहन नहीं करती है। कंप्लेंट केस में ये ध्यान रखिए आप विशेष रूप से, क्योंकि आए दिन इस पर काफ़ी विवाद होता है कि कंप्लेंट केस ऑलरेडी कोर्ट ने आदेश का जारी कर दी तो अब इसका खर्चा कौन उठाएगा, तो ये ध्यान रखिए कि इसका जो भी खर्चा है वो कंप्लेनेंट को ही उठाना पड़ेगा, और अधिवक्ता द्वारा केवल उस प्रारूप को, यानी जो समन का प्रारूप है, उसे फिल किया जाएगा, और इसके बाद न्यायालय के कर्मचारियों को सपोर्ट कर दिया जाएगा। न्यायालय के कर्मचारी समन को फिल नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको और आपके जो भी अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र हो, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो उनको आप जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।